सर, जो आज आपका 17वां दिन है, आज किस तरीके का आंदोलन जारी है और कल आपकी वार्ता विफल रही, तो आज क्या आपको वार्ता के लिए बुलाया गया? आज हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज यूनियन के धरने प्रदर्शन का आज 17वां दिन है। मैं प्रदेश का महामंत्री सुरेश कुमार त्रिपाठी, कल जो वार्ता हमारे संगठन और किसान यूनियन के साथ हुई थी, उसके बाद हमको हमारे जो विधिक सलाहकार वकील साहब गए थे, उनके माध्यम से कुछ आश्वासन मिला था। और उस आश्वासन में विभागाध्यक्ष द्वारा कहा गया था कि आप अपने धरना प्रदर्शन को किसी तरह से शांत कराइए और मैं लगा हूँ कि किसी प्रकार से मामला तय हो। पुनर्स्थापन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहें कि आज एक दिन दो दिन का हमको समय दिया जाए, जो कि धरना प्रदर्शन अपना शांति तरीके से लेके चलें। हम उनके, चूँकि हमारे विभाग अध्यक्ष हैं, हमारे मुखिया हैं, हम उनके बात को वजन देते हुए अपने धरना प्रदर्शन को शांति तरीके से आज हम अपना अत्यंत शांति का रूप धारण करके हम यहाँ अपना धरना प्रदर्शन आज चालू किए हैं। कोई हमने कोई मतलब कि न कोई नारा लगाया हूँ आज, न किसी प्रकार का कोई बातों का प्रयोग किया गया है, न कुछ किसी प्रकार की आज मांग ही किया, क्योंकि कल जो बात हो चुकी थी, तो मुखिया है अगर कह रहा है कि दो एक दिन का हमको समय दिया जाए, तो हम उनकी बात को वजन देते हुए आज हम बड़े शांतिप्रिय तरीके से अपना धरना प्रदर्शन अपने कर्मचारियों को लेकर के बैठे थे। और अभी तक हमारे पास आज तक कोई सूचना नहीं आई। अब उन लोगों ने क्या किया, कैसे किया, क्या हमारे विधिक सलाहकार भी आज नहीं हैं, आज चले गए हैं कहीं, जब आएंगे या उनसे बात हुई होगी दूरभाष पे, हमें मालूम नहीं जो होगा। आज हमारे किसान यूनियन वाले भी से शायद बात कुछ हुई थी, वो भी आज अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हो सकता है कोई बात हुई हो आपस में धरना प्रदर्शन बंद करने की। मैं एक चीज़ और आगाह करना चाहूँगा आप मीडिया के माध्यम से, एक मांग है हमारी सिंचाई का शालाखंड नैनी इलाहाबाद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर्मचारी को पुनर्स्थापन कराना। यह पुनर्स्थापन अगर शांति तरीके से हमारे विभागाध्यक्ष महोदय कर लेते हैं, तो हमको बहुत खुशी होगी, अत्यंत खुशी होगी कि हमारे विभागाध्यक्ष इंसानियत को अपनाते हुए, मानवता को दिखाते हुए हमारे पीड़ा को सुना और सुनने के बाद हमारे कर्मचारियों का पुनर्स्थापन किया। उनको माला फूल पहना करके उनका स्वागत करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं, तो मैं चेतावनी मीडिया के माध्यम से